Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th. Smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. मुजफ्फरनगर के स्टील कारोबारी लाल बहादुर के मुनीम व चालक से 18 लाख रुपए लूट की घटना का मेरठ पुलिस ने 24 घंटे में ही खुलासा कर दिया है। छानबीन में सामने आया है कि मुनीम व चालक ने अपने एक साथी की मदद से इस लूट की घटना को अंजाम दिया था। उन्होंने घटना के 2 घंटे बाद पुलिस को बताया था कि कार ने ओवरटेक कर उनकी कार को रुकवाया और शीशा तोड़कर उनकी आंख में मिर्ची झोंक दी। इसके बाद बदमाश 18 लाख रुपए का बैग लूटकर फरार हो गए थे। मेरठ के पुलिस कप्तान रोहित सजवान सिंह ने यह जानकारी दी। 1 लाख रुपए से ज्यादा की लूट थी और दोनों लोगों ने तमाम चीजें तमाम कहानी कही थी। हकीकत क्या निकल के आई है सर? थाना बैसुमा के अंतर्गत कल 5:15 बजे के आसपास शाम को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी। वादी राजीव शर्मा जो एक मुनीम का कार्य करते हैं, एक बजरंग स्टील वर्क्स है उसका काम करते हैं, और उनके द्वारा बताया गया कि वो कंपनी के पैसे इकट्ठे करते हैं जो भी व्यापारियों पे उधार होता है। तो कल ये मेरठ में आए थे और वहाँ से लगभग 18 लाख रुपये इन्होंने जमा किए थे और बैसुमा कस्बे से ये वापस जा रहे थे। तो कस्बे से 2 किलोमीटर आगे इनके साथ 2 व्यक्तियों के द्वारा गाड़ी को ओवरटेक करके इनके साथ लूटपाट की गई। और लूटपाट करने का जो तरीका था वो ये था कि इन्होंने गाड़ी का बाएं साइड का शीशा तोड़ा और उसमें अंदर मिर्च फेंक दी और जिससे इनकी आंखों में मिर्च लग गई, और उसके बाद इन्होंने जो बैग था वो दोनों के लेके चले गए। पुलिस के द्वारा इसमें लूट का मुकदमा पंजीकृत कराया गया और उसके बाद जो विवेचना प्रारंभ की गई उसमें गहनता से दोनों ही व्यक्तियों से पूछताछ की गई। CCTV जो आसपास लगे थे उनका निरीक्षण किया गया, साथ ही साथ जो सर्वनाश की मदद ली गई। तो इस पूरी घटना में पता चला कि वादी जो इस मुकदमे का वादी है उसके द्वारा स्वयं ये घटना पैसे हड़पने के उद्देश्य से की गई थी और पूरी घटना को एक लूट का जो रूपांतरण है वो दिया गया। साथ में तीसरा अभियुक्त सचिन है उसके साथ मिलकर ये घटना को अंजाम दिया गया। इस पूरी घटना में जो तीसरा अभियुक्त सचिन है अपने साथ मिलाकर इन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जब ये वो तीसरा अभियुक्त गाड़ी लेकर आया, गाड़ी ओवरटेक की, इन्होंने स्वयं ही अपना जो बैग है उसको दे दिया और गाड़ी का जो शीशा है बाई साइड का उसको गाड़ी का जो जैक होता है उससे मारकर तोड़ दिया और मिर्च का जो पाउडर है वो गाड़ी के अंदर फेंक दिया। और उसके बाद ये अपने मालिक को इन्होंने जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले को सूचना दी कि घटना एक लूट की घटना हो गई है और जो 18 लाख रुपए हैं वो 2 बदमाश छीन कर ले गए हैं। इस पूरे प्रकरण में जो वादी जो मुनीम है और जो चालक है इन दोनों के द्वारा तीसरे अभियुक्त के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया गया। दोनों ही अभियुक्त जो चालक है और जो मुनीम है पुलिस की हिरासत में है और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही साथ घटना में जो रुपए गए 18,48,300 रुपए वो पूरे के पूरे बरामद कर लिए गए हैं और तीसरे अभियुक्त सचिन की गिरफ्तारी की जा रही है और पुलिस टीम उसके लिए लगी हुई है और तीनों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। सर, पैसे कहां से बरामद हुए, किस जगह के तीनों रहने वाले हैं, कि गांव के हैं क्या ये तीनों? ये 2 व्यक्ति राजीव शर्मा जो मुनीम और पंकज कुमार चालक हैं, ये दोनों ही एक गांव के रहने वाले हैं। और जो सचिन कुमार है जो अभी फरार है, ये चालक पंकज कुमार का साथी है, उसका जानने वाला है। और इन तीनों के द्वारा इस योजनाबद्ध तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया ताकि जो 18 लाख रुपए अपने मालिक की कंपनी के उसको हड़प सके। कहां से मिले सर ये बैग? ये 18,48,300 रुपए का जो बैग है ये जो राजीव शर्मा जो मुनीम है इसके घर से बरामद, इन दोनों की निशानदेही भी बरामद किए गए और तीसरे अभियुक्त को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। सर, इतनी इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।